के घर से आ रही हूँ, वहाँ पर कितनी हलचल मची हुई है। एक पल पहले रो रहे थे और अगले पल एक बड़े भोज की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सच में मरियम और मार्था कितने खुश होंगे। मेरा मतलब उनके भाई मर के जी उठे। हाँ अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो सच में मर गया था? हाँ, क्योंकि मेरे पति ने ही अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने ही उसके शव को पट्टियों से लपेटा था। सच में? तो क्या तुम्हारे पति ये समझा सकते हैं कि ईशु ने उसे कैसे जिंदा किया? अचानक से आसमान में बड़ी सी ज्योति चमकी और सीधे कब्र पे जा पड़ी। तभी हाँ, और तभी लाजर उड़ते हुए बाहर आ गया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ईशु ने सिर्फ कहा था लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आ गया बिल्कुल जैसा ईशु ने कहा। ईशु, बच्चे क्या तुझे सच में लगता है कि हम ऐसी बकवास पर विश्वास करेंगे? सच कह रहा हूँ। ठीक है। एक मिनट। हाँ प्रभु, इस तरह धन्यवाद। जितना हो सके तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। कृपया उन्हें बता दीजिएगा। बिल्कुल, तुम चिंता मत, मेरे लिए भी गुजारिश कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं तुम सबकी मदद करूँगा। जल्दी करो और अंदर आओ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। धन्यवाद, चलो चलते। हाँ ओ मरियम। अरे याकूब, कैसे हो तुम? आज का दिन कितना सुंदर है ना? हाँ बिल्कुल, ईशु हमारे गांव आए हैं। याकूब, तुम ईशु को बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, क्योंकि उन्होंने लाजर को दोबारा जिंदा किया। वो जरूर परमेश्वर के पुत्र होंगे ना? हाँ बिल्कुल वो है, पर मैं शर्मिंदा हूँ कि शुरुआत में मैंने उन पे विश्वास नहीं किया। मैं तो हमेशा ईशु पर विश्वास करता हूँ। जरूर एक महान चेले बनोगे। मैं अंदर जाकर यीशु से मिलता हूँ। मैं भी आ रही हूँ। ईशु को खाना तो खा लेने दो। कोई बात नहीं, तुम इधर आओ, ये लो। वाह धन्यवाद ईशु, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी आपका चेला बनूंगा। बेटा बिल्कुल बाप पर गया है, मैं सही कह रहा हूँ ना पतरस? आप सभी लोग अच्छे से खाइए। मार्था, क्या थोड़ा दाखरस और मिलेगा? हाँ जरूर, अभी लाई। इसका बहुत अच्छा है। मरियम कहाँ है? हम इतने व्यस्त हैं और वो कहाँ चली गई? प्रभु जी, अब इस गांव में सब जान गए हैं कि आप कौन हैं। सही कहा। मरियम, बिल्कुल, तुम कहाँ थी? मरियम, क्या हुआ? मरियम,
ये तुम क्या कर रही हो? कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ये कितना महंगा इत्र था, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे लेकिन बर्बाद कर इस इत्र को बेचकर मिले हुए पैसे गरीबों में बांटना बेहतर नहीं था? क्या बर्बादी है ये, इसे क्या लगता है कि केवल यीशु को यही प्यार करती है? मरियम, यीशु ऐसा नहीं चाहता, तुम इसे बर्बाद क्यों कर रही हो? यहूदा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ही देह पर इत्र मला है। गाड़े जाने? ये तुम क्या बात कर रहे हो? गाड़े जाना? ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या ये कहना चाहता है कि ये जल्दी मरने वाला है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। वो कहता है कि वो नासरी भविष्यवक्ता है, क्या वो नहीं जानता कि हर दिन सभी आज्ञाओं का पालन करना कितना मुश्किल है? वो लोगों को उकसा रहा है, सब कुछ बर्बाद कर रहा है। मैंने सुना है वो बहुत चमत्कार दिखाता है। ये बकवास है, वो आदमी सब कुछ शैतान की ताकत से करता है, लोगों को धोखा देने के लिए। उसे गिरफ्तार करने का हमें कोई कारण चाहिए। उसके कुछ चेले तो उसे यहूदियों का राजा कहते हैं। हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, वो व्यवस्था की नींव को हिला कर रख देगा। कौन है उधर, पकड़ो उसे। कौन हो तुम, बोलो। मेरा नाम यहूदा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यीशु का चेला हूँ। यीशु का चेला? ये जरूर हमारी जासूसी कर रहा होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं। यीशु के इस जासूस को अभी मार दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं, मैं जानता हूँ यीशु कहाँ है। रुको, मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूँ। आज रात उसे हमारे पास लेकर, अगर तुम्हारी बात सही होगी तो हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला है तो तुम इस फसह के पर्व पर अवश्य मरोगे। जी मंजूर है। जी हाँ बिल्कुल, आज रात। फसा का पर्व बहुत ही खास है। हाँ सही है, सबसे अच्छा फसा का पर्व, और वो भी सबसे अच्छी जगह पर। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, जरा इसे चक्कर तो देखिए। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। तुम्हें पता है मैं कितना चिंतित था, लेकिन फिर मुझे वो लड़का मिला जिसके पास मछली और रोटी थी। अरे हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी रोटी खा ले। अब मेरी बारी है, मेरी बात सुन। तुम में से किसी को पता है पानी पर चलकर कैसा लगता है? मैं गलील के समंदर पर चला। मुझे याद है तुम पानी पर चले थे, लेकिन कितने कदम चले थे? दो कदम। लेकिन तब यीशु ने मेरा हाथ पकड़ा, तब मुझे पता चला कि मैं बच गया। वो दिन मैं कभी नहीं भूल। मेरी बड़ी इच्छा थी कि ये फसल तुम्हारे साथ खाऊं। मैं भी। लो। हाँ खाओ। शुक्रिया।
ये मेरी देह है, ये मेरी नई वाचा का लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। क्या क्या कहा? पकड़वाएगा? हम तुम्हें कैसे पकड़वा सकते? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम हमेशा तेरे पीछे चले हैं और सब साथ में किया है। ऐसा काम कौन कर सकता है? कौन? याकूब? नहीं, वो तुम तो नहीं। क्या बात कर रहे हो, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे क्रूज पर चढ़ाया जाएगा। तुम सब आज रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे, लेकिन मैं 3 दिनों में फिर जी उठूंगा। पर जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील जाऊंगा। क्या? आज रात को? कभी भी नहीं। हम आपका त्याग कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्या तुम नहीं जानते हम तुमसे कितना प्यार करते हैं? मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, हम सब भी। हम सब। तो क्या तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मुर्गे की बांग से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे मुझे तुम्हारे लिए मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज रात हम गतसमनी जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। तब भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। पत्रस, अंद्रियास, योहन्ना, देखो वो घड़ी आ चुकी है, मैं पापियों के हाथों पकड़वाया जाऊंगा। वो लोग वहां है, याद रहे जिसको मैं चुनूं वही यीशु है। वहां कोई है नहीं, कोई याजक है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? श्री यीशु को। यहूदा, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। साथ मरना चाहते हो? कृपया उसे जाने दो, उसने कोई गुनाह नहीं किया। ले चलो इसे। यीशु, क्या हो गया? हम क्या करें? हमें यहां से जल्द निकलना होगा, अभी। पत्रस, चलो जल्दी करो। देवता, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम इसे कैसे पकड़वा सके? तुम तो हम में से एक थे, तुमने ये क्या कर दिया? थोड़े पैसों के लिए धोखेबाज। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मैंने क्या गलत किया? मेरी गलती नहीं है, नहीं।
नहीं, मेरी वजह से ईशु नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ईशु आखिरकार हमने उसे पकड़ लिया। परमेश्वर के अनुग्रह से उसने हमें सांप का बच्चा कहा था। क्या लोग उसकी अभी भी सुनते हैं? लोग अनजान थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसकी बातों में आ गए थे। लेकिन अब उस पर छल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। हमें लोगों को इस धोखे से निकालने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पहले से ही हमने अपने जासूस भेजे हुए हैं। ये झूठा भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? यीशु मसीह। कभी नहीं होने देंगे। जैसा तुमने कहा वही सच। He made himself the
ईशु को। जैसा तुम कहो। इसे क्रूस पर चढ़ा दो। हकीम पिलातुस की आज्ञा के अनुसार इस अपराधी को सजा दी जाए। जी मार डालो। महाराज की जय हो। सब बोलो यहूदियों के राजा की जय हो। यहूदियों के राजा की महाराज आ गए। जय हो महाराज की जय। राजा है तो तेरा महल कहाँ है? तेरा मुकुट कहाँ है? अरे ये देखो मुझे मिल गया मुकुट। देख रही हो? अब तू बिल्कुल राजा लग रहा है। और जोर से। महाराज मेरी इस बदतमीजी को क्षमा करना। मारो और मारो। हाँ हम देखना चाहते हैं, इसे मरता हुआ देखना चाहते हैं। मारो। चलो मारना शुरू किया जाए। इसे और मारो। दो तीन चार पांच के चेलों में से एक नहीं हो? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मारना चालू रखो। 17 रुको, ले जाओ इसे। तुम्हें पता है ये कौन है? क्या शिमोन के घर पे था ना? क्या सच में उनके साथ? हाँ, सच कह रही है। सही कहा, ये तो यीशु का चेला ही है। चेला है? पत्रस। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं चेला नहीं हूँ। मैंने इसे गतसमनी में देखा था, ये उन्हीं में से एक है। बिल्कुल यही है। परमेश्वर की शपथ, मैं इस पागल आदमी को जानता तक नहीं। नहीं, 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 नहीं बोल रहा है। बोल रहा है। बोल रहा है। तो कहाँ जा रहे हो? पकड़ो इसे। पकड़ो। हम यीशु को क्रूस पर चढ़ते हुए देखते हैं। हाँ।
Oh.
के हाथों में सौंपता हूं, पूरा 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 हुआ। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं।
प्रभु, मैंने तुझे त्याग दिया। बस यही है। मंदिर का पर्दा तो फट गया, क्या यह अजीब नहीं है? बकवास, जरा देखो वहां पर, सब कुछ खत्म हो गया। अंत में वो भी एक मनुष्य ही निकला, कमजोर और व्यर्थ। सख्त पहरा दो और किसी को भी कब्र के नजदीक मत आने दो। जो आज्ञा। हमें सूरज उगने के पहले पहुंचना चाहिए। हमें तो उसे ठीक से दफनाने का मौका भी नहीं मिला। हाँ, मैं जानती हूँ, हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। हम कब्र के द्वार से पत्थर कैसे हटाएंगे? हे परमेश्वर, हमारी मदद। देखो, ये कब्र तो खुली है। हाँ, क्या? हे प्रभु, ये कैसे हुआ? मत डरो, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है,
परंतु जी उठा है। उसने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। जल्दी जल्दी सबको बता दे। मैं जाती हूँ, सबको बता रही हूँ। यीशु क्या कर रहे हो? जल्दी करो। आखिरकार हम यरूशलम के बाहर निकल ही गए। मैं बहुत थक गया हूं। अब हम क्या करें? क्या करें से मतलब क्या है तुम्हारा? हमें मौस लौट जाना चाहिए। वहां जाकर क्या करें? मैं नहीं जानता। हो सकता है कि हम पहले की तरह काम कर पाए। तुम क्या चाहते हो? हम फिर से चुंगी लेने वाले बने, रोमियो के साथ हाथ मिलाकर पैसों के लिए, और सब हमसे नफरत करें? मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे वो काम पसंद है, लेकिन अब कोई रास्ता भी नहीं है। कैसे सब कुछ खत्म हो गया, वो भी इतनी जल्दी? अब भी मुझे विश्वास नहीं होता। तुमने देखा था अपनी आंखों से? हाँ, लेकिन वो सारे चमत्कार, वो जो बातें उसने कही थी, उन सबका कुछ मतलब था? बस करो, अब सब खत्म हो चुका है, वो मर चुका है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो गया। क्या तुम्हें याद नहीं वो सारे चमत्कार जो हमने साथ देखे थे? अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने बस एक वाक्य से उसे चंगा कर दिया था, और वो तूफानी समुद्र में, वो पानी पर चला, उसने अंधों की आंखें खोल दी। हाँ, सही कहा तुमने, यीशु ने जैसे तुझ और मूर्ख से प्यार किया, तो भी हमने उसे त्याग दिया, और अब देखो डरपोक की तरह भाग रहे हैं। यहां तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो और इतने उदास क्यों हो? क्या तुम नहीं जानते यरूशलेम में क्या हुआ? महायाजकों और पुरनियों ने नासरी यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? उस वादे को याद करो। सही कहा, उसने कहा था वो तीसरे दिन जी उठेगा।
1, 2, आज तो तीसरा दिन है। हाँ, इसका मतलब है यीशु जिंदा है। सही कहा। कहा गया अभी तो यही था, वे प्रभु थे। रुको, गलील, उसने कहा था वह गलील को जाएगा। तो हम यहां क्यों रुके हैं? जल्दी करो, रुको, उस तरफ नहीं, इस तरफ आ जा। सच में तू है। मैंने वादा किया था मैं कभी तेरा इनकार नहीं करूंगा। हे शमौन, योहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता। पतरस, मेरी भेड़ों को चरा। हाँ प्रभु। हे यीशु, अंग्रेज, योहन्ना। मेरे यीशु, यीशु जी उठा है, वो जिंदा है। शिमोन, थोमा, मत्ती, यीशु आप जिंदा है। हमें लगा था आपको फिर कभी नहीं देख पाएंगे। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? धन्यवाद प्रभु। रोदा, देखो यीशु यहाँ है। यीशु, आखिरकार मैं आपके तोहफा ले ही आया। सुंदर मछलियाँ। धन्यवाद मेरे छोटे चेलो। मैं आपसे प्यार करता हूँ प्रभु। यीशु, मैं आपको छोड़कर भाग गया, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। याकूब, क्या मैंने क्रूस पर तुम्हारी कमी कमजोरियों के लिए दुख नहीं उठाया? हाँ मेरे प्रभु। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।